दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कितना बुरी तरह से फंस चुके थे, और ये मेरी जिंदगी का पहला कारनामा ऐसा था कि दो कोबरा आपस में ही फंस चुके थे, खतरा का तेल था और उनको काफ़ी मेहनत हुआ। आप देखे कितना मेहनत से इसको छुड़ाया गया और इसको यहीं पे हम पैक कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं डीडीएस अभी जस्ट आ गया हूँ फाइनल सिटी से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे, और ये पावन सर्जी में है मंगरी पट्टी की। यहाँ पे कोई सांप निकला हुआ है जिसको निकालने के लिए बुलाए हैं। आइए देखते हैं कौन सा सांप है और निकालते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, नजर जमाइए की आई प्लीज कम। यार दो हैं कि मर गया है, एक तो मर गया है लग रहा है कि दो हैं तीन तीन ऊपर, एक वहाँ है एक यहाँ है। दोस्तों इसको निकालते हैं और दिखाते हैं कितने सांप हैं, अभी तो कंफ्यूजन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कितने सांप हैं। अरे यार मर गया। वो जो कतरा का तेल है इसमें इसी में ये चिपक गया है, वो भी जिंदा ही है। ये तो काफी थोड़ा पास से दिखाओ सूर्या, ये आ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों काफी चिपक चुके हैं, वो कतरा का तेल है और इनको निकालने का प्रयास करेंगे हम पूरा, इसको ग्लव्स लगाना पड़ेगा। ओ यार दोस्तों बहुत दिक्कत से ये लोग इसमें चिपक चुके हैं, इनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम, देखते हैं कैसे निकल रहे हैं ये। भैया थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखिए अपने में, चुप रहे। इसको जानते हो ये ऊपर से हटाना पड़ेगा। भैया एक आदमी आ जाइए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। अरे बस इसको जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जा पाएंगे, इसको साइड कर लीजिए, उसको वो काम नहीं करेगा, उसको छुड़ाना पड़ेगा। हम ले जाएंगे तो उसको छुड़ाएंगे, तब उसको छोड़ेंगे। साइड कर दीजिए उसको, निकाल दीजिए बाहर, फंसा हुआ है उसमें। हाँ इसको खींच लीजिए सबसे पहले, इसको खींचिए। पानी सबसे नीचे दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं काफी बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं, और ये दो बेजुबान हैं
जिनको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये बच जाएं और इनको ले जाकर सेफ जगह जंगल में रिलीज किया जाए। ये ऊपर से पकड़ लो बस। आसानी से बुलेट बुलेट मिलेगा। पानी में हाथ बिंगा के हाथ पोछिया से हाँ पोछ कर भाग जलो भाग जो भाग जो अंदर पकड़ा पकड़ा तो क्या करेंगे पकड़ा तो भाग दोस्तों जैसा कि इसके आँख से दिख नहीं रहा है, पूरा कतरा का तेल जो है चिपक गया है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं, साफ करते हैं। तो तेल दीजिए बस। हाँ, अब नहीं रह गया लगा।
लगता है तो दूर में सारे दूर में लगता है जी तो ना लगे थे आप लोग पता है क्या खाना वो चीज़ तो ना लगा रहती है खाना में नीचे में लगा रहा हूँ इस और उधर नहीं बनाई जाता क्या खाना बनाई में तो ना तो नहीं होगा रिलीज कर देता हूँ मैं नीचे में सेटल हो रही है यार सब जितनी काटे जा छूट जाए मर जाए वो वो अभी जीव निकाला था भाई कहाँ जाता जगह तो जगह अपन बुरा वाला लुकाए के खतरे बाट है कहीं अगर शॉट गेले पेड़ उड़ में वो कंगनाई बा खाल जाए हम लगा ये फनो ने के मारो अब फिर सर ये लेके क्या चिपक जाए तो वो बड़ा ना होई ना छुट्टी बका हम लोग शॉट के लिए तो वो बड़ा ले लो हां मारे अरे भाई जरा मेरे फोन ले लो ए दीदी वो बड़ा ले लो मैं जाना जाए जैसा अब्दुल जनाब तो ना करो मिलेगी को बचता बा बताए भाई कहां जाता हां कब जाए वही तो जरूरत हो जाता तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी मेहनत हुआ काफी जद्दोजहद हुआ जिसके बाद ये इनको छोड़ा दिया गया है और ये केचुल से मते हुए हैं एक दो दिन में केचुल छोड़ देंगे और इनमें जो ये कचरा लगा है कतरा का तेल है जो वो साफ हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे इधर देखो और इसको बिना छेड़छाड़ किए इसको हम यहीं पे पैक कर रहे हैं और दोस्तों आपको बता दें कि ये तो बेजुबान है ये नहीं जानते हैं कौन बचाने वाला है और कौन मारने वाला है लेकिन फिर भी इसको बचाया जा रहा है ये पैक कर दीजिए अरे सड़ दिया टाइगर दूगो वाला तो दूगो ये बने कैसा तो दोस्तों आप देख के समझ लीजिए एक दूसरे का ये अब बढ़ रहे हैं और इस दोस्तों बता दें इनमें जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है और अगर ये इंसान को बाइट कर ले तो नस में जो खूने दौड़ती है उसको रोक देता है धब्बा धब्बा बना देता है और हमारे गांव में अगर ऐसा सांप बाइट कर लेता है तो लोग चले जाते हैं झाड़फूँक के चक्कर में और वहीं पर अपना जान गंवा देते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कोई भी सांप काटे आपको जिला अस्पताल जाना है और जाके वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट कराना है ताकि आपका जीवन जो रहे वो सुखी रहे और स्वच्छ रहे ए बरो आ गया है अरे
ड्राइवर ओए दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, दोनों को पैक कर लिया है और दोनों में ऑक्सीजन बना हुआ है और ऑक्सीजन मिलता रहेगा इनको, ऑक्सीजन की दिक्कत ना होगी। और लेके चलते हैं काफ़ी दूर जंगल में, जहाँ घर परिवार ना रहते हो, और वहीं पे इसको रिलीज करेंगे, पर्यावरण बचा रहेगा। बने रहिए वीडियो में आप लोग। तो दोस्तों, हम आ गए काफ़ी दूर जंगल में इसको रिलीज करने, और इसके लिए सेफ जगह है, बहुत अच्छा जगह है, घना जंगल है पर्यावरण के लिए, और इसको यहीं पे रिलीज कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं रिलीज करके। फिर चिपक गया है। बंद करो। तो दोस्तों, आप देख के समझ सकते हैं ये कितना मजबूरी में, मुश्किल में फंस चुके थे, जिसको निकाल कर बाहर किया गया। आइए इसको भी निकालते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी फंस चुका है, और इसको निकालने का प्रयास करेंगे हम।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनको अलग अलग कर दिया गया है और ये तो बेजुबान है, ये नहीं जानते हैं कि कौन मरने वाला है और कौन बचाने वाला है, लेकिन फिर भी इनको बचाया जा रहा है और इनको अलग अलग कर दिया गया है। अब इनको अलग अलग करके इनको छोड़ दिया जाए ताकि ये लोग सुरक्षित रह पाए, और फिर आपस में लिपट जाएंगे तो फिर इन लोगों का दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों इसको हम यही रिलीज कर दे रहे हैं और ये चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो देख के आप लोग को भी न कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में खतरा भी सकता है, नहीं भी ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेजुबानों को बचाया जाए और पर्यावरण बचाया जाए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।